अरे यार सुन, आज एक छत्तीसगढ़ी मूवी लगी है, चलना उसको देख के आते हैं। अरे यार छत्तीसगढ़ी मूवी नहीं जाना यार, नहीं देखते। क्या देखेगा यार, वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट, घिसी पिटी गाने, वही बेकार पिक्चर क्वालिटी। अरे यार कोई छत्तीसगढ़ी मूवी देखने लायक है? नहीं जाते यार। देखा तो है छत्तीसगढ़ी एल्बम लोग कैसे बनाते हैं। नहीं मुझे तो नहीं जाना है। अरे चलना देख के आते हैं यार, आज बोर लग रहा है, थोड़ा मूवी देख लेते हैं। अरे यार मूवी जाना है तो छत्तीसगढ़ी क्यों जाएंगे, चलना वो फला सुपरस्टार का लगा है उसको देख के आते हैं। यही सोच रहे होंगे ना आप छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, छत्तीसगढ़ी फिल्म को लेकर। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल और बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री नहीं रहा जिस पर लोग, कई लोग जो सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री ऐसा है वैसा है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और हम इसलिए कह रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में क्रांति आ चुका है, बदलाव आ चुका है। अब छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को युवा हो चुका है, करीब 22 साल से भी अब ज़्यादा हो चुका है। और छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ लोग ऐसे जो सोचते हैं, उनके लिए एक ही जवाब है कि आपने सबसे पहली जो फिल्म आई थी मोर छैया भुइया, जो कि सुपर डुपर हिट रही, क्वालिटी की बात की जाए या फिर उस फिल्म की पूरी हिस्ट्री की बात की जाए, कैसे बना और कैसे वो धमाल मचाया, तो आप सोचिए वो फिल्म जब पहली फिल्म हिट रही तो बाकी फिल्म अच्छी ही होंगी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में एक और बदलाव आ चुका है, और छत्तीसगढ़ी फिल्म में एक नया आयाम, नया क्रांति लाया है। और नई जो मूवी आई है, नाम आपको भी पता होगा, जो कुछ ही दिनों पहले हाल ही में रिलीज हुई थी, फिल्म कुरुक्षेत्र पार्ट 1 यानी भागी। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में भी अब कंटिन्यू आगे बनने वाली फिल्म पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे अन्य पिक्चरों में साउथ की मूवी में देखने को मिलता है, वही अब छत्तीसगढ़ी में भी देखने को मिलेगा। और फिल्म का नाम है कुरुक्षेत्र। हम बढ़ेंगे आगे, उससे पहले देखिए इस फिल्म का ट्रेलर। लड़का के आंसू, लड़की के रोना, माँ की बेचैनी और असली जानवर की तरह धर्म बर्दाश्त नहीं कर सके। अबे कौनो माई के लाली हाँ? आ, और ये बकरी ला ले जाके बता। मैं सबके दिल के राजा, मैं बजा ढोल बाजा, सब नाचे ताता थैया। आगे आगे बड़का भैया, साले बाबी अपन आप भाभी देव समझते हैं और धर्म बस। खाए के तेल में मिलावट चला थे, शुद्धता के नो गारंटी, कोनो कोई दिक्कत। हमर गांव के मुनिया मर गए, तोरेच परिवार के काकरो मौत हो जाए तो साले। भैया मोला बहुत डर लगत भैया, अगर एला जरा भी तकलीफ हुई ना तब पूरा सिख परिवार ला ही चक्कर दो। पागल ये बरेजिया जाके बोल दे ओला, फैक्ट्री नहीं लगी माने नहीं लगी, हर हर महादेव। विक्रम सिंह, अरे नर्क में भी जगह नहीं मिली तोला। काबर मारा था मोर भाई ला? अपन भाई ले पूछ। कहानी के विक्रम भी मैं, पेताल भी मैं, जे भक्त महाकाल जेकर का बिगाड़ ही काल। मैं 3 तक गिनूंगा, इतना समय काफी है। अब आखिरी दांव खेले के टाइम आ गए है। जोत सकते दुश्मन के सीना खालो चीर सकते। बेटी जाए के बाद भी तीजा माँ वापिस आ जाती, लेकिन जमीन एक बार चल देते ना तो फिर कभी वापस नहीं।
नमस्कार, मैं उमेश और आप देख रहे हैं दी लालटेन। दी लालटेन में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हाल ही में रिलीज हुए फिल्म कुरुक्षेत्र के बारे में। और ये फिल्म छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में एक क्रांति लाने वाली फिल्म है। इस फिल्म का आपने ट्रेलर तो देखा, ट्रेलर से भी कई गुना और कई गुना बेहतर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाकर देख सकते हैं। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो कुछ सिनेमा घरों से शुरुआत हुई, लेकिन अब ये बढ़ते जा रहा है। अगर कहें तो ये साउथ की जो मूवी कार्तिकेय 2 जब रिलीज हुई तो कुछ सिनेमा घर में था, लेकिन अब वो एक बड़े पैमाने पर रिलीज हो गया है, बड़े स्क्रीन और कई स्क्रीनों में जब दिख रहा है। वही हालात छत्तीसगढ़ के कुरुक्षेत्र की है। अब कुरुक्षेत्र भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग सिनेमा घरों में लग रहा है, लोग देख रहे हैं और खूब प्यार दे रहे हैं। इस फिल्म के बारे में हम आपको पहले बताएंगे, ये फिल्म की अच्छाई सुनना चाहेंगे या बुराई। तो बुराई मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में ये फिल्म एक नया क्रांति लाया है, नया जोश लाया है, नए तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म तो बुराई तो ढूंढने से हर जगह मिल जाएगी, तो हम बुराई पर कम बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं अच्छाई की। अच्छाई की बात यह है तो ये फिल्म जो है साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जैसा इसमें अब आपको देखने के मिलेगा। इस फिल्म के जो टाइटल सॉन्ग है कुरुक्षेत्र, ये पूरे साउथ स्टाइल में आपको लगेगा, जैसे साउथ की मूवी में जिस तरीके से लगता है वैसे लगेगा। एक्शन की बात तो पूछिए मत, क्योंकि इस फिल्म में करण खान और दिलेश साहू है तो फिर आगे एक्शन के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिल्म वैसे भी सुपर डुपर हिट तो हो चुकी है और बाकी और पूरा हिट कराने की जिम्मेदारी आपकी है। तो एक बार फिल्म को ज़रूर देखेंगे और पहले आप इस फिल्म को देखने से पहले सोचिए इसके गाने के बारे में, तो गाने कैसे होंगे, गाने सुपर डुपर हिट है। तो आप भी इस गाने का एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। जन्म मिलके लिखबो कहानी, मैं बन हूँ दीवाना, मैं बन बे दीवानी। जी हाँ, तो आपने देखा गाना कैसा था। और भी गाने हैं जो अभी फिलहाल YouTube में तो नहीं है, लेकिन आप उसे सिनेमा घर में जाकर देख सकते हैं। इस फिल्म का निर्देशन, लेखन और निर्माता उदय कृष्णा है। आपको बता दें कि 12 अगस्त को रिलीज हुए फिल्म कुरुक्षेत्र एक्शन एवं रोमांस का तड़का छत्तीसगढ़ी फिल्म है। इस फिल्म की शूटिंग कसडोल के हसीन वादियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के खूबसूरत वादियों से की गई है। साई कृष्ण फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बने कुरुक्षेत्र फिल्म के निर्देशक, लेखक, निर्माता उदय कृष्ण हैं। वहीं इस फिल्म के सह निर्देशन का भार शांतनु पाटनवार के हाथों में था। वहीं विशाल दुबे, अनुपमा मनहर, घनश्याम साहू, अनुपम वैष्णव की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निर्देशन में रही। वहीं इस फिल्म में नायक की भूमिका में सुपरस्टार करण खान और एक्शन स्टार के रूप में दिलेश साहू नजर आएंगे। वहीं अभिनेत्री के रूप में पूजा साहू, ज्योत्सना ताम्रकार स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में अजय पटेल विलन की भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में धर्मेंद्र चौबे, क्रांति दीक्षित, अजय पटेल, आराध्या सिन्हा, के सिन्हा, आशीष शर्मा, विजेता मिश्रा, कृष्णानंद तिवारी, आलोक मिश्रा, जयंती मनहर और अनिल सिन्हा अपने अभिनय का जोहर दिखाएंगे। आपको बता दें कि इस फिल्म के कैमरामैन मुंबई से आए राजन जायसवाल हैं। वह इस फिल्म में संगीत रवि पटेल ने दिया है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं। और आपको बता दें कि इस फिल्म में डॉक्टरों ने एक अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। आपको बता दें कि इस फिल्म में गीत ऋषभ सिंह ने लिखा तो कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी बाबा बघेल ने निभाई। फिल्म में प्रोडक्शन का काम विक्रांत साहिल, नीरज ओम तिवारी, भूपेंद्र साहू और सोमेश ने दी है।
ये फिल्म छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक क्रांति का संदेश देने वाला फिल्म में है, तो आप भी इस फिल्म को जरूर देखें। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस फिल्म को जरूर देखिए, क्योंकि आपके सहयोग से, आपके प्यार से ही छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर देंगे। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमें Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हम सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म इंस्टा, ट्विटर, तमाम ऐप पर मौजूद हैं, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवाहर।